वेलकम टू अवर चैनल सी सी प्रोग्रामिंग एंड टाइम बोर्ड। और आज हम लोग इस वाले पार्ट को बनाने वाले हैं जिसके अंदर आपके लिए एक टॉप व्यू दे रखा है, एक मेरे पास फ्रंट है और ये इसका साइड व्यू दे रखा है। और जो यूनिट्स हैं ये इम्पीरियल यूनिट हैं, इंचेस में दे रखी है तो हम इंचेस में ही बनाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैं स्केच लेता हूँ और एक टॉप लाइन पर बना के क्लिक करता हूँ और टॉप से बनाना शुरू करेंगे अपनी ड्राइंग को। इसको आप चाहते हैं तो इसे बंद कर लीजिए, मैंने इसे बंद कर दिया है। और यहाँ से मैं एक लेता हूँ लाइन और जो भी फर्स्ट लाइन है उसकी डायमेंशन कर लेते हैं। और ये जो डायमेंशन है 2.25 है। और इसके आगे मैं ड्राइंग बना लेता हूँ जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप सिंपल जाइएगा और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्रॉ करिए इनकी और इसके बीच में कलर, इसके बीच में। और इसको मैं डायमेंशन कर देता हूँ, ये जो रेडियस है 2.875 और ये है 0.625। और इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो लेंथ है इसको डिफाइन कर देते हैं। ये जो है ये टोटल यहाँ से आता है 6.5 और अब इसे डबल क्लिक करता हूँ, लेता हूँ 0.625। इसी में डबल क्लिक करिए 2.25 और एक लास्ट डायमेंशन बची है ये। और ये इन दोनों के बीच का गैप जो है ये है 4। तो ये जो शेप है ये मैंने यहाँ पर बना ली है जो कि ठीक है। और पैलेट में जाते हैं, शेप शेप के अंदर मुझे मिलेगा ये रेक्टेंगुलर, ये है व्हील स्ट्रैक। और यहाँ पे लाके इसे आप छोड़ दीजिए और ये ठीक है, इसे क्लिक करेंगे और क्लोज। और इसकी डायमेंशन करनी है अभी तो इसे डबल क्लिक करिए, ये गैप जो है 0.75 का है, इसे डबल क्लिक करते हैं। ये वैल्यू जो रखी है 1.75। और एक डिस्टेंस बची है यहाँ से, ये सेंटर है मिडल से, ये वाला गैप ये है 1.25 प्लस 0.75 तो ये हो गया 2। और ये बीच में आ रहा है तो मिडिल वैल्यू ले लीजिए आप ये, और ये सेंटर क्लिक ये है 2.25 डिवाइड बाई 2, ये मिडिल पे आ गया। इसे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। भाई इसे एक्सट्रूड कितना करना है, एक्सट्रूड करना है इसको 0.75, यहाँ से आप रखिएगा 0.75, ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, एक तो जो शेडिंग मोड है इसका वो विद एजेस वाला ले लीजिए। मुझे इस फेस पे और इस फेस पे दो चीज़ें बनानी है तो इस वाले पे जाता हूँ मैं पहले और इस पर स्केच करते हैं। और एक रेक्टेंगल लेंगे इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करना है और अप टू दिस। अब बस इसकी डायमेंशन कर दीजिए, डायमेंशन भी ये दी हुई है आप इसे डबल क्लिक करें और ये है 0.75 और इसे कर देते हैं क्लोज और इसे एक्सक्लूड करेंगे। ये देखिए ऐसा कुछ ऊपर की तरफ जाएगा और ये कितना होगा 2.75। 0.75 ऑलरेडी ले चुके हैं तो 2 लेना चाहिए, 2 आप इसे कर दिए 2 और क्लोज। सेम तरह से इस वाले फेस भी चलते बनाते हैं, पहले टॉप पर बनाया था अब फिर इधर से बना रहा हूँ। इधर से बनाने का देखिए क्या बेनिफिट है, यहाँ तक मैं ले चुका हूँ, अंदर की तरफ जाना है क्योंकि, तो मैं सीधे नीचे से बनाऊँगा। और यहाँ से आप ले लीजिए क्लिक
और एक सर्कल लेते हैं यहाँ पर, और ट्रिम ये ठीक है, और इसे भी काट देता हूँ, रिक्वायरमेंट दे रही तो दोबारा से ले रही हूँ। यहाँ पर जाके एक सर्कल भी है, इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि कुछ डैमेज मुझे करने ही नहीं पड़े। यह है 0.75 का डायमीटर, और यहाँ से टॉप से ये जो पॉइंट है एक, ये मैंने देखिए 2.75 जो कि एक्यूरेट आ गया ठीक। बाकी कोई डैमेज नहीं होती है, बाकी सब ठीक है, ठीक करें। और इसे मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ और रिवर्स साइड में, और इसकी थिकनेस आएगी 0.75 की थिकनेस, और एक ओके टोटल 2.75 नीचे बॉटम तक की, मैंने शायद सेंटर तक ले लिया, तो कोई बात नहीं, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ से शो करिए, क्लिक करते हैं स्केच कैसा है ये, इस स्केच में जाएंगे, एडिट करिए, और ये यहाँ तक है। रेडियस कितना था इसका? 0.75 का, तो ये हो जाएगी हमारी 2, उसको 2 पे। तो अगर कभी गलत हो जाता है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज में नहीं आएगा। और अगर आपने सिंपल डायरेक्ट बनाया था तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं राउंड इस एज और कंट्रोल तक इस एज, दोनों एज को सिलेक्ट किया, और बाहर वाला जो है ये हमारा 2.25 डिवाइड बाई 2 का रेडियस है, और एक ओके। तो ये ऐसे नहीं ले रहा राउंड, तो डिलीट करिए और राउंड में भी जाएंगे, और यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, इसमें हमें चाहिए सर्कुलर कॉनिक नहीं, बॉल थ्रू का बॉर्डर नहीं, इसके अंदर नहीं आ रहा है अभी, तो मैं एक को क्लिक करता हूँ और ओके कर देते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, और ओके आप फिर से रिपीट करता हूँ सेम 2.25 डिवाइड बाई 2, ये कुछ टूल यूजिंग का एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, इसके लिए शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको खैर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ स्केच से ही जाके, है ना। आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाके अभी स्केच करना ही पड़ेगा, या एक काम है, आप सर्किल बनाने के लिए जब जाएंगे तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो आप इसे डिलीट करिए, और इस फेस पे जाके हम करते हैं स्केच। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, क्लिक, और सर्कल, और ट्रिम कर दीजिए, और ये डायमेंशन नीचे बॉटम से सेंटर, बॉटम सेंटर 2 का आएगा जैसा पहले आया था, डबल पे इसे 2 कर दीजिए, और फिर सर्कल चाहिए, और इसे सर्कल डायमेंशन कर देते हैं, ये है 0.75, और क्लोज। आप इसे एक्सट्रूड कर दीजिएगा, रिवर्स साइड में होना है, और वैल्यू है 0.75। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करके बना सकते हैं। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इसको यूज़ करना है, कैसे बनाना है। कोई क्वेरीज है, कोई आपकी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।